कह रहा जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट द फॉलोइंग आर द एनेट टर्म ऑफ एन एपी। याद करिए एनेट टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, एन में लीनियर पॉलिनोमियल होता है, यानी कि एन की मैक्सिमम पावर अगर वन होती किसी एनेट टर्म में तभी वो किसको शो करता है, वो शो करता है किसको, हाँ एनेट टर्म ऑफ एन एपी को। देखिए बात समझिए, एक्चुअल में सीरीज तो बहुत तरीके की होती हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। सीरीज क्या होता है, सीरीज वो होता है जिसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स किसी सर्टेन रूल को फॉलो करते हो, करेक्ट। तो देखिए जरा किसी लिस्ट ऑफ नंबर्स यानी किसी सीरीज का एनेट टर्म हमको यहाँ पर क्या दिया है, 2n प्लस 1, सेकेंड पार्ट में कितना दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5, और थर्ड पार्ट में कितना दिया है 1 प्लस n प्लस n स्क्वायर। मतलब समझिए जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं या जो nth टर्म है वो सर्टेन रूल को तो फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे रूल क्या है कि n में 2 का मल्टीप्लाई कर दो 3 ऐड कर दो, बात समझ में, n की जो भी वैल्यू हो, अगर n 2 रखो तो सेकंड टर्म आ जाएगा, n 3 रखोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, n 4 रखोगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे रूल क्या है कि n का स्क्वायर करो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, जो आ जाए उसमें 5 ऐड कर दो तो आपको nth टर्म मिल जाएगा। यहाँ पे रूल क्या है कि n का स्क्वायर करो, उसमें n को ऐड करो और जो आ जाए उसमें 1 को ऐड करो। मतलब रूल तो दिया है नो डाउट, बट क्या ये रूल जिन नंबर्स को बनाएगा, जिन लिस्ट ऑफ नंबर्स को बनाएगा, क्या वो एपी बनाएंगी? तो जवाब है केवल आंसर फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन हमारा एपी बनाएगा, बाकी नहीं बनाएंगे। आप चेक करो, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में जो nth टर्म है इट इज द लीनियर पॉलिनोमियल इन n, ठीक है। चेक करिए 2 इंटू n की पावर मैक्सिमम क्या है यहां पे 1, तो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल इन n, इसकी डिग्री कितनी है चेक करो 1, हेंस इट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, इट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। अब चेक करिए यहां पे nth टर्म क्या है, दिस इज नॉट द लीनियर पॉलिनोमियल इन n, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल, सॉरी दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन n, n की डिग्री कितनी है यहां पे, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2 है, क्योंकि n की मैक्सिमम पावर यहां पे 2 है। तो ये एपी का nth टर्म नहीं और ये भी एपी का nth टर्म नहीं, क्योंकि इसकी भी डिग्री कितनी 2 है, कोई डाउट है? अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, पता है आप लोग कैसे करोगे, करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लैंग्वेज लिख दोगे, ठीक। क्या लैंग्वेज लिखेंगे बताइए यहां पर, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन n, हेंस इट इज नॉट द nth टर्म ऑफ एन एपी, यहां पे भी ये लिखेंगे, बात समझ में। सुनो आप कैसे करोगे, आप लोगों को सबको मैं होमवर्क दे रहा हूं, जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उनको भी सुनिए, आप क्या करिए, आप यहां पे n के अलग अलग वैल्यूज रखिए, ठीक। तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो a1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो a2 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो a3 आ जाएगा, n की वैल्यू 4 रखोगे तो a4, इस तरीके से आप 4-5 टर्म निकालिए और फिर a2 माइनस a1 करिए, a3 माइनस a1 करिए, सॉरी a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, इस तरीके से आपको चेक करना है क्या कि k प्लस 1th और k टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां तो आएगा बट इन दोनों में नहीं आएगा, आप करके भी चेक कर सकते हो। और ऐसा एक क्वेश्चन आया था याद है आपको, मैंने आपको 3 तरीके बताए थे उसमें, ठीक है। तो काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया है, उसमें से एक तरीका कंफ्यूजिंग वाला था तो वो आप नहीं कर सकते हो। एक तो ये वाला कर सकते हो कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल इन एन वाला, और दूसरा तरीका क्या है, एन की वैल्यू रख रख के आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखिए बात समझिए, मान लीजिए एग्जाम में 2 मार्क्स में आ गया, कितने में ये आ गया 2 मार्क्स में, तो आप लैंग्वेज थोड़ी ना लिख के आओगे, आप सॉल्व करके दिखाओगे, एन की वैल्यू पुट करिए 1 तो a1 आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 पुट करिए तो a2 आ जाएगा, फिर a3 a4 इस तरीके से निकाल के a2 माइनस a1 चेक करेंगे, a3 माइनस a2 चेक करेंगे और चेक करेंगे a k प्लस 1th माइनस akth टर्म जो है इक्वल आ रहे हैं कि सॉरी इनका डिफरेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं, वो वही कॉमन डिफरेंस होगा। तो आप समझिए अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, जब भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक होगा n में तो वो कभी ap का टर्म होगा ही नहीं, बात समझ में, होगा किसी सीरीज का होगा बिकॉज रूल तो फॉलो कर रहा है, ओके।